जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात कर रहे थे हम ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी की। ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन द प्लांट यहाँ पर चल रहा था। इसके अंदर आज हम कंपाउंड माइक्रोस्पोर्स के बारे में पढ़ रहे थे। हम मेल गैमेट माइक्रोस्पोर के बारे में पढ़ रहे हैं प्लांट्स के अंदर, जिसमें हम कंपाउंड माइक्रोस्पोर के बारे में आज पढ़ेंगे। तो क्या होता है, नॉर्मली तो क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन होते हैं ये फ्री होते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन फ्री होते हैं एक दूसरे से। पर कुछ प्लांट्स के अंदर, जैसे इसमें केलोट्रोपस हैं, ड्राइमीज हैं, इसके बाद टाइफा है, इन प्लांट्स के अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं, ये पोलन ग्रेन क्या होते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। और ऐसे पोलन ग्रेन को ही क्या बोला जाता है, ऐसे पोलन ग्रेन को ही कंपाउंड माइक्रोस्पोर कहा जाता है। ऐसे माइक्रोस्पोर को ही क्या कहा जाता है, कंपाउंड माइक्रोस्पोर कहा जाता है। तो यहाँ पर जो कंबाइंडली बना हुआ ग्रुप है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे केलोट्रोपिस के थ्रू। तो इसमें क्या होता है, देखिए आप यहाँ पर एक मास ऑफ पोलन ग्रेन बन जाता है, कई सारे पोलन ग्रेन का एक ग्रुप बन जाता है। दिस मास ऑफ द पोलन ग्रेन इज नोन एज पोलिनियम। इस मास को क्या कहा जाता है, पोलिनियम कहा जाता है। अब एक या एक से ज़्यादा जो पोलिनियम होते हैं, दिस कैन बी ज्वाइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस्कुलम। कॉर्पस्कुलम की मदद से आपस में जुड़े होते हैं। इसका जो थीन फिलामेंटियस पार्ट होता है कॉर्पस्कुलम का, जो कि इन पोलिनियम को जोड़ता है, इसको कॉर्डिकल कहा जाता है। तो आपको समझ आया होगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होगा, द ग्रुप आर द मास ऑफ द पोलन ग्रेन इज नोन एज पोलिनियम। दिस पोलिनियम इज जॉइंट टूगेदर विद द हेल्प ऑफ कर्पस्कुलम एंड द थीन फिलामेंटियस पार्ट ऑफ कर्पस्कुलम इज नोन एज कॉर्डिकल। इसको कॉर्डिकल कहा जाता है। कौन कौन से प्लांट में ऐसा होता है, केलोट्रोपिक्स, इसके बाद ड्रीमीज और टाइफा के अंदर ये देखा जा सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर इसी के अंदर क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे पोलन ग्रेन की, कि पोलन ग्रेन किस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो देखिए यहाँ पर जो पोलन ग्रेन होता है, ये रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, कहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द प्लांट्स। ये प्लांट्स की मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। इट इज़ यूनिसेलुलर एंड यूनिन्यूक्लियर्ड स्ट्रक्चर। ये यूनिसेलुलर और यूनिन्यूक्लियर्ड स्ट्रक्चर होती है, साथ ही साथ ये हैप्लोइड होती है, एंड मीन सिंगल सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर हम बात करें इस पोलन ग्रेन की, तो पोलन ग्रेन की जो बाहरी स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज पोलन वॉल। इसको पोलन वॉल कहा जाता है। दिस पोलन वॉल इज मेड अप विद द टू लेयर, आउटर लेयर, ये वाली लेयर आप देख सकते हैं, आउटर लेयर इज नोन एज एक्साइन, आउटर लेयर को एक्साइन कहा जाता है, एंड इनर लेयर इज नोन एज इंटाइन, ये वाली लेयर आप देख सकते हैं, ये वाली, ये क्या कहलाएगी, इंटाइन कहलाएंगी। तो ये हो गई इंटाइन और ये वाली लेयर हो गई क्या, एक्साइन। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द पोलन वॉल इज नोन एज एक्साइन। इट इज मेड अप विद द स्पोरोपोलेनिन, ये स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बना होता है, विच इज केमिकल एंड बायो केमिकल सबिस्टेंस रेसिस्टेंस। ये केमिकल या बायोकेमिकल सबिस्टेंस रेसिस्टेंस होता कौन, स्पोरोपोलेनिन। जो स्पोरोपोलेनिन होता है, ये केमिकल रेसिस्टेंस होता है, मतलब केमिकल के इफेक्ट को खत्म कर देता है या केमिकल के इफेक्ट होने नहीं देता है किसके ऊपर, पोलन ग्रेन के ऊपर। इसमें कुछ क्रॉस पोलिनेटेड जो प्लांट होते हैं, उसके अंदर एक्साइन जो रहता है, इस पर येलोइस, यहां पर एक येलो कलर का सब्सटेंस लगा रहता है यहाँ पर, किसके अंदर, क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट के अंदर। ये विस्कस और स्टिकी सब्सटेंस होता है, जिसको पोलन कीट कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको, पोलन कीट इसे कहा जाता है। यहाँ पर जो लेयर होती है आउटर लेयर पोलन ग्रेन की, ये आउटर लेयर पोलन ग्रेन की कई जगह पर थीन हो जाती, कहने का मतलब इस तरह से होता है कि ये इनर लेयर है पोलन ग्रेन की, और इस इनर लेयर के बाद ये आउटर लेयर होती, तो कई जगह से ये कैसी हो जाती है, थीन हो जाती है, इस तरह से यहाँ से ये थीन हो गई। तो दिस पार्ट ऑफ द पोलन ग्रेन इज नोन एज जर्म पोर, इस पार्ट को क्या कहा जाता है, पोलन ग्रेन के जर्म पोर कहा जाता है। पोलन वॉल में एक्साइन कई जगह थीन हो जाती है, जिससे जर्म पोर फॉर्मेट होते हैं। इन्हीं जर्म पोर से, ये एक और जर्म पोर है, एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, इन्हीं जर्म पोर से क्या 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 फॉर्मेट होती है, पोलन ट्यूब फॉर्मेट होती है ड्यूरिंग द पोलिनेशन।
या फर्टिलाइजेशन, पोलिनेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, स्पोरोफाइट फॉर्मेशन होता है, तो उस समय यहाँ पर पोलन ट्यूब फॉर्मेट होती है, कहाँ, जर्म पोर से ही। इसके बाद एक्जाइम जो रहती है, सॉरी इंटाइम जो लेयर होती है, ये पेक्टोसेल्युलोजिक होती है, पेक्टोसोल्युलोज से मतलब पैक्टिक एसिड और सेल्युलोज से मिलकर बनी बनी होती है। कौन, इंटाइम। इंटाइम के अंदर यहाँ पर साइटोप्लाज्म फील होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर आप डेंस पार्ट देख सकते हो सेंटर में, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, जो कि वन सेट क्रोमोसोम अपने अंदर कंटेन करते हैं। तो आप सभी को पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर स्ट्रक्चर समझ में आ जाए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ी थी, वी आर ऑल्सो स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। हम लोगों ने एंथर की स्ट्रक्चर भी पढ़ी थी लास्ट वीडियो में। तो एंथर की जो स्ट्रक्चर होती है, ये किस तरह से होती है। सबसे पहले ये आउटर मोस्ट लेयर हो जाएगी, इसको एपिडर्मिस कहा जाता है। इसके अंदर जो वॉल होती है, पोलन सेक वॉल होती है, उसको एंडोथीसियम बोला जाता है। इसमें ये नोच लाइक स्ट्रक्चर है या ग्रू है, इसको स्टोटियम बोला गया था। इसके बाद मिडिल लेयर आ जाती है, किसके आसपास, मदर सेल के आसपास। तो ये मिडिल लेयर एंडोथीसियम और टेपेटम, ये तीनों ही मिलकर पोलन सेक वॉल बनाती है। इसके बाद में यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। क्या होती है, माइक्रोस्पोर, ये मदर सेल हो गई यहाँ पर। तो ये स्ट्रक्चर हमने पहले भी पढ़ ली है। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्केन्स पढ़ेंगे एंथर का, कि एंथर से पोलन ग्रेन कैसे सेपरेट होते हैं, ये इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जब मिच्योरिटी आती है, एट द मिच्योरिटी द टेपेटम एंड द मिडिल लेयर ऑफ द एंथर, मतलब एंथर के टेपेटम और जो मिडिल लेयर होती है, ये दोनों मिच्योरिटी के समय डीजनरेट हो जाती है। क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। और इसकी वजह से सिर्फ क्या क्या बचता है यहाँ पर, एक तो इपिडर्मिस और एंडोथीसियम, ये दोनों लेयर्स यहाँ पर बचती हैं, जिसकी वजह से जनरली लॉन्गिट्यूडिनल स्पिल्ट फॉर्मेशन होते हैं। कई बार लॉन्गिट्यूडिनल स्पिल्ट फॉर्मेशन होते हैं, कई बार टर्मिनल स्पिल्ट भी फॉर्मेट हो जाते हैं। इन स्पिल्ट फॉर्मेशन के साथ ही यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन यहाँ से सेपरेट हो पाते हैं। तो क्या प्रोसेस होती है, जब यहाँ पर मिच्योरिटी आती है, मिच्योरिटी के टाइम टेपेटम और मिडिल लेयर जो होती है, ये डीजनरेट हो गई, जिसकी वजह से सिर्फ क्या बचा, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम। अब एंडोथीसियम जो लेयर होती है, इट लूज्ड वाटर, इससे पानी बाहर निकलने लगता है, यहाँ से पानी बाहर निकलने लगता है, लूज्ड वाटर। सो एंडोथीसियम मीन्स द थिन वॉल ऑफ द एंडोथीसियम बिकम कॉन्स्ट्रिक्ट इन वर्टिकल इनवर्टिली, मतलब वो अंदर की तरफ सिकुड़ने लगती है। किसकी दीवार, इस एंडोथीसियम सेल की दीवार, ये पानी लूज करता है जिससे ये सिकुड़ने लगती है, इसकी मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सेल सिकुड़ने लगती है, ठीक है, सिकुड़ने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है इस स्टोटियम के ऊपर। स्टोटियम पे प्रेशर क्रिएट होता है और स्टोटियम पे प्रेशर क्रिएट होने की वजह से इस स्टोटियम पे स्प्लिटेड ये हो जाता है, स्प्लिट फॉर्मेट हो जाता है, हो जाते हैं, जो कि लॉन्गिट्यूडिनल और टर्मिनल हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये स्टोटियम की जगह से जो एंडोथीसियम और इपिडर्मिस है, ये ब्रेक हो जाती है और यहां से पोलन ग्रेन बाहर निकल जाते हैं। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर समझ आता तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।